इस समय एक खबर बहुत सुर्खियों में है, कभी उठता है कभी गिरता है। ये खबर है दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान की। अब इनको लेकर ये खबर आ रही है कि इनका जो दुश्मन है, इस समय सबसे बड़ा दुश्मन इनका है, वो गैंगस्टर काला जठेड़ी है। और काला जठेड़ी अब ये प्रस्ताव पेश कर रहा है कि अगर सुशील कुमार पहलवान टोल के ठेकों में से कुछ हिस्सेदारी, कुछ परसेंट हिस्सेदारी अगर मुझे दे देता है तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। ऐसा कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है और ये कहा जा रहा है कि जेल में ही, तिहाड़ जेल के अंदर एक ऐसा बिचौलिया बैठा हुआ है जो इन दोनों के बीच साठ गांठ कराने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन सुशील कुमार पहलवान ये नहीं चाहते हैं कि काला जठेड़ी को उन्हें कुछ परसेंट उनके टोल के ठेकों का शेयर देना पड़े। अब ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि सुशील कुमार पहलवान आखिर चाहते क्या है। अगर सुशील कुमार पहलवान काला जठेड़ी से बचना भी चाहते हैं, जेल में भी रहना चाहते हैं, जेल से बाहर भी आना चाहते हैं, मतलब सुशील कुमार पहलवान इस समय ऐसा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि उनका बर्ताव देखकर कुछ भी अंदाजा लगा पाना तो बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब उनको मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था तो उनकी जो हंसी सामने आई थी, हंसी को लेकर कई तरह के सवाल उठे, आलोचनाओं का शिकार उनको होना पड़ा, दिल्ली पुलिस को भी होना पड़ा और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन सुशील कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान तो बनना चाहते ही थे लेकिन 2014 के बाद अचानक उनका अपराधी बनने का बहुत मन करने लगा। अपराधी मतलब यहाँ कहने का मेरा मतलब है गैंगस्टर बनने का उनका ज़्यादा मन करने लगा और वो जराइम की दुनिया में एंट्री मारने लगे। तो कभी काला सौदा से मिलते हैं तो कभी रामबीर शौकीन, जो कि कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, रामबीर शौकीन से मिलते हैं और रामबीर शौकीन उसकी मुलाकात करवाता है नीरज बवानिया, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, जो अभी दिल्ली के इसी तिहाड़ जेल में बंद है। फिर उसकी मुलाकात बवाना ही काला सौदा से करवाता है, फिर मुलाकात होती है काला जठेड़ी से, सोनू महाल से और फिर ऐसे कई सारे एक्टिव गैंग मेंबर हैं जो सुशील कुमार लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। सुशील कुमार के बारे में कहा जाता है कि सुशील कुमार का रोल इसमें इतना था, तथा कथित रूप से, कि सुशील कुमार बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, भाई पहलवान थे, ओलंपिक पदक विजेता थे तो लोग उनसे मिलकर अपने शान समझते थे, तो सुशील कुमार उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाया करते थे कि इसकी हैसियत क्या होगी। और सुशील कुमार पहलवान पर अब यही आरोप लग रहा है कि उसी की हैसियत का अंदाज़ा लगा कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बैठे लोगों को सूचना देते थे, इन्फॉर्म करते थे और तब वहाँ से फिरौती मांगी जाती थी या फिर कुछ ऐसा जो है जघन्य अपराध किया जाता था। लेकिन इन सब के पीछे जो सुशील कुमार के साथ अपराध में शामिल लोग थे उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। सुशील कुमार ने अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको सीढ़ियों की तरह अपने पैरों के नीचे कुचलकर मतलब इस्तेमाल किया उनका। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इसका नाम है गौरव। ये मुश्किल से 20 से 22 साल का लड़का होगा। घर वाले यही सोच रहे होंगे कि इसे हम पहलवानी के गुर सिखाने के लिए सुशील कुमार पहलवान के पास भेज रहे हैं तो ये बड़ा पहलवान बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन घर वालों को नहीं पता कि वहाँ जाकर कौन सा पहलवान बन रहा है, पहलवान बन रहा है या जमीन जो कब्जा की जाती है वो जमीन छुड़वा रहा है, लोगों की मार पिटाई कर रहा है। इस चेहरे को देखिए, इसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी उन्हीं 18-20 लोगों में से एक मेंबर था जो सागर धनखड़ की हत्या करने में, पिटाई करने में शामिल था, वीडियो बनाने में शामिल था। और ऐसे ही अनिरुद्ध और गौरव की बात नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं, जो कोई जोड़ो कोच था तो कोई प्रिंस दलाल नाम का व्यक्ति था, तो ऐसे कुल मिलाकर 19-20 लोग हैं। तो सागर धनखड़ की तो हत्या हो चुकी है, सागर धनखड़ के माता पिता अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इन 19 लोगों का क्या होगा? ये 19 लोग मुश्किल से 20 से 25 साल के हैं और ये इस उम्मीद में आए थे कि अगर हम छत्रसाल स्टेडियम में जाते हैं और सुशील कुमार पहलवान जैसे गुरु से हम सीखते हैं तो हम भी एक दिन देश का नाम रोशन कर सकते हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। गोल्ड मेडल तो लाए नहीं, जेल की हवा खा रहे हैं और अब इनका करियर इस तरह बर्बाद हो चुका है कि इनकी ज़िंदगी इस तरह से नर्क बन चुकी है कि ये गोल्ड मेडल लाएंगे कि नहीं लाएंगे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक पता है, हमें पता है जहाँ तक, ये कभी बाहर निकलकर पहलवानी तक नहीं कर पाएंगे, गोल्ड मेडल लाने की बहुत दूर की बात है। तो इन सब के पीछे सुशील कुमार पहलवान का उद्देश्य क्या था, कि सुशील कुमार पहलवान ने ऐसा क्यों किया? सुशील कुमार जब पहली बार पुलिस के गिरफ्त में आए, अब पुलिस के गिरफ्त में आए कि तथाकथित रूप से ये कहा जाता है कि ये सब कुछ मतलब फिल्मी अंदाज में हुआ, इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन आए जब गिरफ्त में तो ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ सागर धनखड़ को डराना धमकाना चाहता था ताकि मेरा वर्चस्व
बना रहे और लोगों के अंदर ये खौफ रहे कि कोई सुशील कुमार पहलवान का पैसा कैसे मार सकता है। ये तो रही सुशील कुमार पहलवान की बात, और उसके बाद खबरें आती हैं कि सुशील कुमार पहलवान दहाड़े मार मार कर जेल के अंदर रोते हैं, कस्टडी में रोते हैं, कभी बीबी को याद करते हैं, कभी बच्चों को याद करते हैं, कभी अपने घर वालों को और मेम्बरों को याद करते हैं, उसके बाद कभी हंसने लगते हैं। मतलब उसके बाद मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को बुलाया गया, वो भी सब कुछ देखे तो मालूम चला कि सुशील कुमार पहलवान को कुछ भी नहीं हुआ है, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। बहरहाल सुशील कुमार पहलवान की जो आखिरी तस्वीर अभी आई है ना हाल फिलहाल में मंडोली जेल के बाहर वाली, उसे देखकर तो यही लगता है कि सुशील कुमार इतना ज़्यादा खुश है ना जेल जाके, और यही सोच रहे हैं, उनके चेहरे की विजय मुस्कान यही दिखा रही है कि मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, बाकी दुनिया जाए, आप समझ जाइए। खैर, सुशील कुमार पहलवान को 9 जुलाई तक, इसी महीने के 9 जुलाई तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। इसके बाद उनको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान सुशील कुमार के घर वाले भी याचिकाओं पर याचिका लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट अभी इस पूरे मामले में सख्ती से सुशील कुमार पहलवान की सभी याचिका को खारिज कर रहा है। साथ ही सुशील कुमार पहलवान ने जिस पहलवान की पीट पीट कर हत्या कर दी, उनके घर वालों को भी यह शक है कि पुलिस अब सुशील पहलवान से डर रही है, उनके वर्चस्व से डर रही है, और वो अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए वो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात कर इन सब बातों का जिक्र करना चाह रहे हैं कि उनके बेटे के मर्डर केस में सीबीआई की जांच पारित की जाए ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। खैर, इस पूरे कहानी पर सुशील कुमार को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।